हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे सामने खड़ी है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जो कि है वी न्यू वेरिएंट AWD, मतलब ऑल व्हील ड्राइव में आती है आपको। तो आज मैं इसको आपका वॉक अराउंड रिव्यू देने वाला हूँ, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे फ्रंट में ऐसी कुछ लगती है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। तो चलिए अब साइड से इसका मैं आपको लुक दिखाता हूँ। सो भाई, साइड से ऐसी कुछ लग रही है, ब्लू कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो ये ब्लैक क्लैडिंग इसके साथ डुअल टोन में तो ये अच्छी लग रही, पूरी कंटिन्यू हो रही है। सो गाइस, अब फ्रंट में सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सो गाइस, फ्रंट में आते हैं आपको देखने को मिलता है यहाँ पे LED और बाकी यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स के साथ ही आती है, और बाकी यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलती है। और बात करते हैं इसके ग्रिल की, जो कि ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलती है, और ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में आएगी। और बाकी यहाँ पे आपको टोयोटा की बैजिंग देखने को मिलती है। और बात करते हैं इसके हेडलैम्प की, जो कि आपको प्रोजेक्टर्स में देखने को मिलते हैं, और ये LED है। ये आपको पियानो फिनिश में आपको इसकी कवरिंग देखने को मिलती है। और बाकी आपको यहाँ पे कोई भी पार्किंग सेंसर देखने को नहीं मिलते हैं। ये आपको ग्रिल देखने को मिलती है नीचे। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो कि आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है। सो गाइस, अब चलिए साइड का व्यू आपको मैं इसका दिखाता हूँ। तो साइड में आते ही सबसे पहले इसके टायर पर मेरी नज़र गई, तो टायर इसका काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मुझे पर्सनली लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील दे रहा है। बाकी ये डुअल टोन अलॉय व्हील है, डायमंड कट में नहीं है ये। सो गाइस, इसकी टायर सेक्शन की बात करते हैं हम, तो आपको 215/60R17, तो आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स इसमें आपको मिलते हैं। बाकी आपको अपोलो के टायर्स इसमें देखने को मिलते हैं। सो गाइस, टायर का लुक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे पर्सनली। बात करते हैं इसके साइड में, तो आपको ORBMs पे ही इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि LED में है। और यहाँ पे AWD मतलब ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग देखने को मिलती है आपको यहाँ पे। सो गाइस, अब चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर जाने से पहले यहाँ पे आपको देखने को रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं, पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है आपको गेट खोलते ही देखने को मिला, और यहाँ पे आपको सिल्वर थोड़ा हाईलाइट हो रहा होगा। सो चलिए गाइस, अब अंदर चलते हैं। सो गाइस, हाइट अपने हाइट के अकॉर्डिंग जस्ट सेकंड में एडजस्ट कर लूँ। हाँ, तो अब सबसे पहले इसकी नज़र पड़ती है स्टीयरिंग व्हील पे, जो कि लेदर रैप में काफ़ी स्मूथ है, तो अच्छा लग रहा है इस पर ग्रैप करने में मुझे। और बाकी आपको कॉन्फिडेंस फील होगा आई गेस चलाने में, मतलब मुझे होल्ड करके इसका स्टीयरिंग मज़ा आ रहा है, मतलब मन कर रहा है चलाने का। सो गाइस, अब बात करते हैं सबसे पहले इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे आपको टोयोटा के लोगो देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको हॉर्न पैड, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से आप ऑपरेट कर पाएंगे, राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको स्टीरोमेटिक कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, और बाकी म्यूट के बटन और कॉल उठाने के बटन, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है पूरे ब्लैक ब्लैक में। सो गाइज, आप राइट साइड में बात करते हैं हम, तो राइट साइड में आपको यहाँ पे AC इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि पियानो फिनिश में देखने को मिलते हैं इसके आउटडोर कवरिंग्स। और बाकी यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, और यहाँ पे आपको क्रोम का थोड़ा इंसर्ट देखने को मिलता है, तो अच्छा लग रहा है। और बाकी नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का बटन, तो इसको आप दबाते ही 360 डिग्री कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिखने लगेगा। सो गाइज, यहाँ पे हेडलाइट लेवल के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने को मिलता है। और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे इंजन हुड का ओपन करने का बटन, बाकी यहाँ फ्यूल लिड ओपन करने का बटन, बाकी ये क्लच का ट्रैवल तो काफ़ी छोटा है, शॉर्ट है, मतलब अच्छा है, सॉफ्ट भी है, काफ़ी सॉफ्ट है। और बाकी अब सेंटर कंसोल पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको IRBMs ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल मिलते हैं डे नाइट। बाकी केबिन लैम्प की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये मिलता है हेलोजेंस में। और बाकी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सनरूफ मिलती है, जो कि है पैनारोमिक, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और आपको मूड लैम्प्स भी देखने को मिलते हैं पीछे। सो गाइस, अब आते हैं इसके सेंटर कंसोल पे, तो आपको 10 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, काफ़ी बड़ी है, तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, मतलब बड़ी बड़ी फील हो रही है। सो भाई, यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं इसके नीचे, यहाँ पे हज़ार लैम्प का बटन, AC वेंट्स यहाँ पे, ग्लॉसी फिनिश में आप देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और नीचे आते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, जो कि, और बाकी यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, ऑटोमेटिक ऑन इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ का बटन, बाकी यहाँ पे USB पोर्ट देखने को मिलता है, 120 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है आपको, अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे आपको गियर लेवल देखने को मिलता है, तो क्लच ट्रैवल भी स्मूथ है, और बाकी गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है। और यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव का बटन एक्टिवेट करने के लिए आपको स्नो स्पोर्ट्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लॉक का बटन, बाकी ये आपको हैंडबैग देखने को मिलता है, जो कि क्रोम फिनिश में आपको इसका नॉब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है, यहाँ पे आप अपना बॉटल्स रख पाएंगे, बॉटल होल्डर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट की बात करते हैं, तो ये मुझे छोटा लगा काफ़ी, मतलब ठीक है, लेकिन और सॉफ्ट टच उतना अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है, डिसेंट सा स्टोरेज स्पेस। अभी यहाँ पे अंदर दिखाता हूँ, तो ये भी काफ़ी छोटू सा है, बहुत ही छोटा है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सॉफ्ट टच, तो अच्छा काफ़ी मज़ा आ रहा है, प्रीमियम फील दे रहा है, देख रहे होंगे आप। और बाकी यहाँ पे आपको एयरबैग वहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे एक एयरबैग,
और बाकी आपको मैं एयरबैग दिखाता हूँ। हाँ, ये साइड में यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो चार एयरबैग मुझे अभी दिखे हैं, अभी पीछे हल्के में दिखाता हूँ आपको। बाकी एसी वेंट आपको देखने को वहाँ मिलता ही है। ग्लव बॉक्सेस की बात करते हैं हम। ग्लव बॉक्स छोटू सा है, मतलब ठीक है, और कूल नहीं है जो कि है। बॉटल होल्डर्स आपको इधर को ड्राइवर साइड दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं इसके ड्राइवर साइड की, डोर की। तो ये आपको ड्राइवर साइड आपको सिर्फ ऑटो डाउन अप मिलता है, बाकी ये लॉक अनलॉक का बटन, बाकी सारे ऑटो नहीं मिलते हैं। और बाकी एक पियानो फिनिश में आपको देख पा रहे होंगे ये इंसर्ट्स। बाकी ओ आर वी एम से कंट्रोल देखने को मिलते हैं, जो कि आपको फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों ही हैं। सो गाइस अब चलिए पीछे चलते हैं। और हाँ, हेडलाइट आपको मैं बता भूल गया सॉरी, जो कि है आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक मिलते हैं। बाकी वाइपर्स के कंट्रोल देखने को आपको मिलते हैं, तो पीछे भी है वाइपर इस वेरिएंट में, तो रियर का कंट्रोल से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए पीछे चलता हूँ, मैं आपको पीछे का व्यू इसका दिखाता हूँ। सो गाइस पीछे का लुक ऐसा कुछ आ रहा है। तो चलिए, फ्रंट की सीट मैंने ज़्यादा ही पीछे एक्सटेंड कर ली थी, लेकिन बैठते ही तो सीटिंग क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। परफोरेटेड आपको सीट देखने को मिल रही है इसमें। बाकी स्पेस तो काफ़ी डिसेंट सा है, मतलब अच्छा लग रहा है। और बाकी अंडर थाई सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, और बैक में भी कंफर्ट अच्छा है, मुझे ठीक लगा, डिसेंट लगा। लेकिन हाँ, अंडर थाई सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, परफेक्ट लगा। यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको एसी वेंट्स, जो कि यहाँ पे आपको मिलते हैं आई गेस हाँ सी टाइप चार्जिंग केबल मिलता है यहाँ पे, आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है, फ़ोन वगैरह रख पाएंगे चार्ज करते टाइम। और बाकी आपको सेंटर में बात करते हैं, जो कि आर्मरेस्ट आपको मिलता है कप होल्डर्स के साथ, और आपको तीनों ही पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं। और मिडिल वाले पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट वहाँ से देखने को मिलती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। सो गाइस अब पीछे का व्यू आपको दिख पा रहा होगा ऐसे कुछ, मैं आपको चल के पीछे का व्यू दिखाता हूँ, पूरा बूट स्पेस मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सो गाइस ये रहा इसका कुछ बूट स्पेस, जो कि इसकी कैपेसिटी आपको मिलती है 373 लीटर्स, तो काफ़ी बड़ा स्पेस है इसमें। और ये आपको मैट देखने को मिलता है, जैसे स्त्री आप इसको ले सकते हैं। बाकी टायर आपको ये अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, स्टील रिम्स मिलते हैं। और आपको यहाँ पे बूट स्पेस में भी केबिन लैम्प देखने को मिलता है सॉरी, और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, तो एक अच्छी चीज़ है। और फ्रंट बैक की सीट्स मैंने आपको नहीं बताई, ये 60-40 स्प्लिट में आती है। तो चलिए इसका बैक का लुक मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप 360 डिग्री कैमरा देख पा रहे होंगे, ये टोयोटा की बैजिंग देख रहे होंगे, ये वी और न्यू वेरिएंट न्यू ड्राइव की बैजिंग देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं इसके टेल लैम्प्स की, जो कि आपके एलईडी में मिलते हैं। और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर हैलोजन मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग लाइट भी, और ये रिफ्लेक्टर मिलता है। और बैक में सेंस पार्किंग सेंसर्स की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 पार्किंग सेंसर्स आपको बैक में देखने को मिलते हैं। और आपको रियर डिफॉगर विद वाइपर मिलता है, और ये क्रोम फिनिश आपको देखने को मिल रही होगी पूरी यहाँ से यहाँ तक। सो गाइज अब इसके फ्यूल टैंक की बात करते हैं, तो फ्यूल टैंक आपको मिलता है इसमें आई गेस 45 लीटर्स का मिलता है। सो गाइज अब चलिए मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। सो इंजन को यहाँ से ओपन किया, चले चलते हैं। ये रहा टोयोटा हाई राइडर का इंजन, जो कि 1.5 पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो कि इसको प्रोड्यूस करता है आई गेस 101 BHP की पावर और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो हेड इंसुलेशन भी आपको मिलता है इस वेरिएंट में। सो गाइस एबीएस की यूनिट यहाँ देखने को मिलती है, वॉशर फ्लूइड्स की जगह ये रही। तो पेट्रोल इंजन जानते हैं आप, वैसे भी काफ़ी स्पेशियस होते हैं, और ये 4 सिलेंडर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। सो गाइज ये रहा कुछ वॉक अराउंड रिव्यू हमारे टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत जाएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।